अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं ताज़ा बात करने के लिए। क्या कहते हैं पश्चिमी दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, किस पार्टी के सांसद को अपना कीमती वोट देंगे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार। विनय कुमार जी, कहाँ से आते हैं आप? सीतापुर से। दिल्ली में 12 मई को लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है आपको इस बार किस पार्टी को जाना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या सोच के अपना वोट आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है? आम आदमी पार्टी तो बकवास है, उसने तो कुछ किया नहीं है। हमारे जो है कैंडिडेट महाबल मिश्रा जी हैं, हम लोग जो है क्या नाम है कांग्रेस का जो है वोट जो है देंगे। कांग्रेस ने विकास किया है, ये क्या हॉस्पिटल बनाया है, बारात घर बनाया है, उसके बाद जितना ये नारा जो है कवर किया है सब कांग्रेस पार्टी का ही देन है। विकास तो मोदी विकास तो मोदी सरकार ने भी किया। कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया है। जनता कह रही है, हमने क्या भी? नहीं, बकवास कर रहा है जनता। कोई नहीं किया विकास, मोदी सरकार कुछ नहीं किया है। यानी कि आपने ठान लिया कि आपका जो वोट होगा वो कांग्रेस को जाएगा? वो कांग्रेस का ही जाएगा। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? अलीमुद्दीन सैफी। अलीमुद्दीन जी, क्या लगता है आपको इस बार? क्लियर है, कांग्रेस आ रही है भाई साहब। कैसे, किस तरह? जो यहाँ के सांसद थे ना अभी तक, वर्तमान के जो सांसद थे, कोई प्रवेश वर्मा करके हैं। मुझे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है ना, वो कार्य जैसे कागजों में है, ऐसे ही मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा भी कागजों में ही है। ओरिजिनल कभी देखे नहीं, कभी पता नहीं है भी कि नहीं। तो इसलिए हमारे सांसद महाबल मिश्रा जी, हमने इन 5 सालों में जो सांसद रहे ना, 2009 में रहे थे और 14 तक थे, और हम 2014 से भी आज तक हम उन्हीं को सांसद मानते हैं, और उनके कार्य जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किए हैं वो अब दोबारा से उनको सांसद बना रहे हैं। किस तरह के कार्य की बात करें महाबल मिश्रा ने जो किए हैं? भाई साहब, यहाँ टोटल विकास महाबल जी का कराया हुआ है। प्रवेश वर्मा को कभी किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भी, एक भी आदमी ये नहीं कहता कि भाई हमने प्रवेश वर्मा को देखा है। हमें तो लगता है वो है ही नहीं। ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं दादादेव, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत में आता है, तो क्या लगता है इसको देखते हुए? महाबल जी ने इसको बनवाया था, महाबल मिश्रा जी ने बनवाया था, सीना ठोक के बोलते हैं। यहाँ हमें बहुत परेशानी होती थी, सरकारी हॉस्पिटल एक भी नहीं था, दीनदयाल था, वो भी 8-10 किलोमीटर दूर पे था। लोग गरीब लोग बेचारे प्राइवेटों में हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाते थे, तो उनको महाबल मिश्रा जी ने ये सौगात के रूप में दिया है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है बीजेपी सरकार मेरे लिए अच्छी है, कुछ भी हो, आदमी अपना घर नहीं एक चला पाता छोटा सा, और वो तो पूरे देश चला रहे मोदी जी। यानी कि आपका वोट बीजेपी को जाएगा? जी बिल्कुल। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? किसी को नहीं जाएगा, कमल के फूल के अलावा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को वोट अपना जाएगा। कांग्रेस पार्टी को क्या सोच के वोट देंगे आप? पिछली बार किसको दिया था? कि मोदी जी तो एक ये मानो का कोई, उनकी तो घर ही नहीं है, वो तो रड़ुआ आदमी है ये मानो, ठीक है, वो अपना घर नहीं चला पाते तो प्रजा क्या चलाएंगे वो मोदी जी। 2014 में किसको वोट दिया था आपने? 2014 में नहीं दिया था मैंने मोदी को, वोट नहीं दिया, डाला नहीं था उस समय। यानी कि इस बार आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? जी हाँ, कांग्रेस को। आपको पता है आपके इस इलाके से कौन खड़ा हुआ कांग्रेस में है? कौन खड़ा हुआ आपके यहाँ से? इतना तो नहीं मैं ज्यादा करता, पहले तो वोट डरता नहीं, डरूंगा तो कांग्रेस को ही जाएगा मेरा वोट। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी को वोट देना चाहूंगा। मोदी को क्या सोच के वोट देंगे? कि मोदी मेरे लिए अच्छा काम करता है, मुझे को वो सिलेंडर दिया है। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए? अकाउंट में नहीं आए, मुझे सिलेंडर दिया है, और एक्चुअली मुझे लेटरिंग गांव में सब सुविधा दिया है, बिजली पानी है, सब सुविधा दी है गांव में, इसलिए देना चाहूँगा मोदी को वोट। दिल्ली में क्या करें अभी, गांव जाके है ना? दिल्ली में तो केजरीवाल को दूंगा। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल को डबल रोल कर देंगे क्या? सर अभी कुछ महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस। क्या सोच के वोट देंगे आप? उन्होंने बहुत कुछ किया है वैसे महाबल मिश्रा जी ने, हम नॉर्मली ठीक है, उन्हीं को देंगे बस। आप क्या कहना? हॉस्पिटल भी बनवाए हैं, शादी घर भी बनवाए हैं, जिसके लिए लेडीजों को काफ़ी फैसिलिटी मिली हुई है। नाला कवर करने से हमारे जो वाहन है 24 आवर्स हमें यहाँ पे कहीं भी जाने की असुविधा महसूस नहीं होती है, और मैं वोट कांग्रेस को ही दूंगी महाबल मिश्रा। महिला सुरक्षा को देखते हुए? महिला सुरक्षा को देखते हुए कोई खास नहीं है, बट हाँ सेटिस्फाई नहीं हूँ बीजेपी के जो कार्यकाल में काम हुआ है उसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा, अभी कुछ और साथी हैं जुड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रफियता। रफियता जी, क्या लगता है आपको इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में? 2019 के लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और वेस्ट दिल्ली से आदरणीय महाबल मिश्रा जी दोबारा संसद में जाएंगे। किस तरह आपको लगता है कि महाबल जी दोबारा सांसद बनेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता का मूड है जो वो मोदी की ओर है? किसने कह दिया? तमाम जनता ऐसे कहती है। नहीं, जनता नहीं कह रही, सिर्फ मीडिया कह रहा है।
जनता नहीं कह रही, जनता का मीडिया का कहने का मतलब जनता का कहना नहीं है, जनता राहुल जी के साथ है। अगर राहुल जी के साथ नहीं होती तो प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, अच्छे दिन से लेके चाय वाले से लेके पकोड़े से लेके पंचर से लेके पुलवामा से लेके बालाकोट से लेके आज यहाँ तक नहीं आते कि मैं नीच जात का हूँ। मुद्दे उनके पास है नहीं, विकास उन्होंने किया नहीं है, है कि नहीं। अब वो कहते हैं राष्ट्रवाद, भाई राष्ट्रवाद तो 125 करोड़ की जनता है, सारे राष्ट्रवादी हैं, अकेला नरेंद्र मोदी है वो जो क्या अमित शाह वो नहीं है, आरएसएस राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवाद की परिभाषा वो सिखाएंगे हमें? वो सिखाएंगे राष्ट्रवाद की परिभाषा? हमारे प्रधान, हमारी पार्टी के दो दो प्रधानमंत्रियों ने तो आज़ादी के बाद शहादत दी है, पीठ में गोलियां नहीं खाई है उन्होंने, सीने में गोली खाई है। पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी टक्कर देगी क्या? सर आम आदमी पार्टी की गिनती मत करो, हम तो गिन ही नहीं रहे उसे। हमारी लड़ाई जो थोड़ी बहुत है वो भारतीय जनता पार्टी से है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के भी आपकी सूचना के लिए बता दूं, जो प्रवेश वर्मा जी है 5 बरस में पिछले कहीं नहीं आया। आप इस एरिया में 10 विधानसभाएं हैं, किसी विधानसभा माधीपुर से लेकर जितनी विधानसभाएं हैं कहीं भी जाके देख लो, अगर विकास कार्य बताए तो मैं चुनौती देता हूं। मैं माधीपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूं और अभी मैं यहां रेजिडेंस है। मैंने असिस्ट किया मालाराम गंगवाल जी को, महाबल जी को असिस्ट किया अपने वार्ड में, पूरा पैसा लगाया है। मेरे अपने वार्ड की गारंटी लेता हूँ, 6 करोड़ रुपये महाबल जी ने लगाए हैं, 6 करोड़ रुपये एक सांसद एक वार्ड में देता है। 2014 से लेकर 2019 तक के जो भाजपा के लोग हैं वो ये कहते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पश्चिमी दिल्ली में इतने काम कर दिए कि अब तक किसी ने नहीं किया। सर वो मंगल ग्रह पे काम किए होंगे, पश्चिमी दिल्ली की धरती में तो काम किए नहीं है उन्होंने, कहीं नहीं है पश्चिमी दिल्ली में। आप बताएं ना, इसमें एक पैसा लगाया ये आपके सामने ये है, आप देखिए ना प्रसूति ग्रह है ये आदरणीय महाबल मिश्रा जी की देन है, लेकिन 5 बरस में उन्होंने लगाया या कुछ पैसा? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ बैठे सारे मरीज बता दें, सारे यहाँ स्टाफ बता दें, यहाँ की जनता बता, इसी हॉस्पिटल में लगाया उन्होंने पैसा? अरे कहाँ लगाया भाई साहब? दशरथपुर में मेट्रो चालू हो गई, मेट्रो चालू हो गई। मेट्रो जो है, मेट्रो का प्रोजेक्ट इनका प्रोजेक्ट नहीं है, आप नया प्रोजेक्ट मेट्रो का बताएं। 5 बरस में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट मेट्रो का नया लाया? जो प्रोजेक्ट मेट्रो के आदरणीय शीला दीक्षित जी के टाइम में, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो काम थे वही तो चल रहे हैं, इन्होंने नया किया क्या है सर? तो यानी कि आपका वोट महाबल जी को जाने वाला है? नहीं मेरा नहीं सर, मेरा तो जाएगा ही कांग्रेस को वोट, महाबल जी को वोट नहीं जाएगा, कांग्रेस को वोट जाएगा, महाबल जी का वोट भी कांग्रेस को जाएगा, आदरणीय राहुल गांधी जी को जाएगा। महाबल जी सिपाही हैं राहुल गांधी जी के और इस देश का प्रतिनिधित्व दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। इस बार क्या सोच के वोट देंगे इस बार? सर इस बार इंसान जो आम सा भारत का मतदाता है वो ये सोच के वोट देगा कि मैं सारा का सारा राष्ट्रवादी हूँ, नकली राष्ट्रवादी नहीं असली राष्ट्रवादी सोच के वोट देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग तो पक्के कांग्रेसी हैं, जैसे अंकल ने कहा यहाँ के विकास के बारे में ना, तो अरविंद केजरीवाल से अच्छा किसी ने काम नहीं किया है, चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे सड़क का ले लीजिए, चाहे कोई भी विभाग का ले लीजिए, जो काम अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है वो कोई विभाग ने आज तक किया नहीं है। जो हम लोग को सुकून मिला है हॉस्पिटल से, आप अंदर जाके देखिए, मरीजों से पूछिए, सब कहते हैं केजरीवाल साहब ने जो अच्छा काम किया वो किसी ने अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे। युवा हैं, किस तरह देखते हैं मोदी सरकार ने काफ़ी युवाओं के लिए भी कुछ किया है? किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पकौड़े बेचवाए हम लोग से बस। हम लोगों ने इतने उम्र में पढ़ाई लिखा करके भी पकौड़े बेच रहे हैं, मुझे पकौड़े बेचवाए और कोई भी रोजगार नहीं दिया हम लोग को।